गाइस, अभी जो आपने स्टेटस वीडियो देखा, अगर आप भी कुछ उसी तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा तरीका में उस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बनाते हैं बताने वाला हूँ। तो उस तरह का जो है स्टेटस बनाने के लिए आपको लाइट मोशन ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना होगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको जो है मोड वर्जन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी फ़ोटो यूज़ होंगे वो फ़ोटो आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइट मोशन ऐप को जो है आप फ़ोन में इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको लाइट मोशन ऐप में आ जाना है, और उस पर आने के बाद कुछ इस प्रकार लोडिंग होगा। और लोडिंग होने पर के बाद अगर आप ऑफलाइन रहेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ जो है प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं जो है स्ट्रॉन्ग बीट मार्क और शेक इफेक्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उसको जो है आपको लाइट मोशन ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर लेने के बाद जो स्ट्रॉन्ग बीट मार्क वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको जो है कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस दिखाई देगा। मैं यहाँ पर जो है टेक्स्ट ये करके रख दिया हूँ और यहाँ पे इफेक्ट भी लगा लिया हूँ। तो आपको जो है इधर खाली फ़ोटो लगाना है और यहाँ पे कुछ कुछ काम करना है। तो सबसे फर्स्ट आपको जो है यहाँ स्टार्टिंग में आ जाना है और यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है, और यहाँ से जो है आपको एक कोई सा भी जो है एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। इमेज सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर जो ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जो है फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है। उस पर यहाँ पे एरो पर क्लिक करना है और एक बार क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करके जो है यहाँ तक करके बाकी पार्ट को जो है कट कर देना है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है ये वाला स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ कलर एंड फिल पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ बीच वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है इसको सेट कर देना है। यहाँ पे बीच में लेके आ जाना है, कुछ इस तरह से देख लीजिए, कुछ इस तरह से सेट कर देना है। और यहाँ पर जो ब्लैक वाला जो कुछ इस तरह से इसको सेट करना है, और यहाँ पे जो व्हाइट वाला दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है रेड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए कुछ इसको जो है कुछ इस तरह से कर लेना है। इस तरह से कर लेने के बाद आपको यहाँ ब्लैक वाले पर जो है क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है उसको वाइट कर देना है। वाइट कर लेने के बाद आपको जो है इसको थोड़ा कुछ इस तरह से ऊपर कर लेना है, बीच में कर लेना है इसको कुछ इस तरह से, देखिए इसको जो है इस तरह से सेट कर लेना है। कुछ इस तरह से सेट कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है और यहाँ इधर आ जाना है। कहाँ कहाँ तक आना है जहाँ मैं बता दे रहा हूँ वहाँ तक आना है। रुकिए, यहाँ 21.42 सेकंड में आ जाना है और यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ तक कर देना है। कर लेने के बाद आपको देखिए यहाँ इधर साइड में तीन लकीर दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके रख के इधर इसको जो है यहाँ नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद आपको जो टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपको इधर आना है, इधर यहाँ पे आ जाना है 21.42 सेकंड में, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ जो प्लस का आइकॉन है उस पर आपको क्लिक करना है। मीडिया पर जाना है और यहाँ से जो है आपको कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ थ्री डॉट पर जाना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ एरो पर क्लिक करना है और फोटो को यहाँ तक कर लेना है, और जो बाकी पार्ट को है कट कर देना है। फिर से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, और यहाँ से जो है आपको दूसरा इमेज सेलेक्ट करना है। थ्री डॉट पर जाना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करना है, फिर यहाँ एरो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके बाकी पार्ट को जो है कट कर देना है। तो गाइस कुछ उसी तरह से जो है आपको एंड तक फोटो को लगा लेना है, तो मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह से जो है आपको एंड तक फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड कर लेने के बाद आपको जो यहाँ से बैक आ जाना है, शेक इफेक्ट वाला जो प्रोजेक्ट है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो है दो फोटो दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो पहला वाला जो फोटो है उस फोटो पर आपको क्लिक करना है। इफेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाकर यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर देना है, और यहाँ से जो है आपको बैक आ जाना है, वापस
सॉन्ग बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पर। और यहाँ पे आने के बाद इधर नीचे आना है और यहाँ पे जो है फर्स्ट जो फोटो हमने ऐड किया था उस फोटो पर, यहाँ पे जो फर्स्ट जो फोटो दिख रहा है उस फोटो पर आपको जो है क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको जो है इधर आ जाना है, इधर इधर आ जाते हैं जहाँ फर्स्ट जो इधर फोटो है। यहाँ पे इधर आने के बाद देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट फोटो है उस फोटो पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। और उसके बाद इधर एक फ़ोटो जो है छोड़ देना है, उसके बाद ये इधर आ जाना है और दूसरा फ़ोटो पर क्लिक करना है, फिर से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर एक फ़ोटो जो है छोड़ देना है, उसके बाद तीसरा फ़ोटो पर जो है क्लिक करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर एक फ़ोटो छोड़ देना है, फिर दूसरे फ़ोटो पर जो है क्लिक करके पेस्ट कर देना है, फिर एक फ़ोटो छोड़ देना है, फिर दूसरा जो फ़ोटो है उस फ़ोटो पर क्लिक करके इस वाले इफेक्ट को जो है पेस्ट कर देना है। कुछ इस तरह से जो है आपको एक एक फ़ोटो छोड़कर ये वाला इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से जो है आपको बैक आ जाना है वापस शेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पर, और यहाँ पे जो है दूसरा जो फोटो उस फोटो पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पर जाकर कॉपी इफेक्ट कर देना है, और यहाँ से जो है आपको वापस बैक आ जाना है सॉन्ग बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पर। और यहाँ पे आने के बाद इधर आ जाना है आपको, इधर आ जाना है और यहाँ पे देखिए जो जिस फोटो पर जो है इफेक्ट नहीं लगा है, यहाँ पे एक एक फ़ोटो जो हमने छोड़ा था उस फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिर एक फ़ोटो छोड़कर दूसरे फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। फिर से एक फ़ोटो छोड़कर दूसरे फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। फिर एक फ़ोटो छोड़कर दूसरे फोटो पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। फिर एक फ़ोटो छोड़कर दूसरे फोटो पर जाकर इस वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। इफेक्ट को पेस्ट सारे फोटो पर जो है इफेक्ट को पेस्ट कर देने के बाद आपका जो है स्टेटस रेडी हो जाएगा। तो इसको जो है गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर देखिए यहाँ पे कोने में एक एरो दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे वीडियो का जो है आपको क्वालिटी जितना रखना है रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका जो वीडियो है वो गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।